सर मोहम्मद आलमगीर, मैं आपको जो है सिंधी पढ़ाऊँगा। आज का मेरा जो लेक्चर है वो है क्लास सिक्स यानी कि छठों, और सिंधी में उसे बोलेंगे तो छही क्लास का। तो सबसे पहले जो है सिंधी को सीखने के लिए हमें जो है, या किसी भी ज़बान को सीखने के लिए हमें उसकी बेसिक बुनियादी चीज़ को सीखना पड़ता है, जो कि अगर अंग्रेज़ी में जाए इंग्लिश में जाए तो ABCD पढ़ते हैं, उर्दू में उसकी अलग पढ़ते हैं, सिंधी में भी अलग है यानी कि हरूफ तहजी। सिंधी के हरूफ तहजी कुछ मुख्तलिफ होते हैं, इनका रस्म ख़त यानी कि इनका लिखने का अंदाज़ और पढ़ने का स्टाइल जो है अलग होता है। इसमें हमारे पास जो है 52 यानी कि 52 हरूफ तहजी मौजूद हैं, और इसमें ख़ास तौर पर सिंधी और उर्दू के मिक्स हैं, यानी कि सिंधी वाली अलग भी इसमें आ जाती है, और सिंधी के यानी कि उसके साथ साथ उर्दू भी। सिंधी में इनके पास ख़ास अल्फाज हैं जिनके यानी कि उचार, उनका तलफ़ुज़, उसके बोलने का स्टाइल सही अच्छे तरीके से, जो उसकी पुकार जैसे कहते हैं ना कि प्रोनाउंसिएशन करना, किसी को बोलना, वो सिंधी ही उसको सही से पढ़ लेता है। किसी और लैंग्वेज वाला पढ़ेगा तो वो अपनी ही लैंग्वेज की तरह उसको समझ के पढ़ रहा होगा, लेकिन इसका सही मायने जब ही पता चलेगा जब आप इस चीज़ की बेसिक को सही से पढ़ेंगे और उसको समझ कर पढ़ेंगे तो ही बेहतरी ला सकते हैं आप अपनी ज़बान में। और सबसे पहले हम अलिफ बे की तरफ जाएंगे, ये अलिफ बे आप क्लास 5 में भी पढ़ चुके हैं, इसी को हम दोबारा से आपको रिव्यू के लिए पढ़ा रहे हैं। अलिफ से लेकर हम ये तक पढ़ेंगे। तो अच्छा, तो बच्चों अब हम अपने सबक की तरफ आते हैं। आपको देखिए सिंधी और तलफ़ नज़र आ रहा होगा लिखा हुआ, ये सिंधी के हरूफ आ रहे होंगे और इस साइड पे तलफ़ यानी किस तरह से इसको हम पढ़ते हैं अलिफ बे को। सबसे पहले हमारे पास है अलिफ, ये इसका तलफ़ लिखा हुआ है। बे, इसका तलफ़ हमारे पास है ये बे, ये उर्दू का है, इसमें हम बे लिखा हुआ है, इसके बाद एक नुक्ता है। अब उसके बाद जो अल्फाज आपको नज़र आ रहा होगा ये है बे, ये सिंधी का बे है, इसमें दो नुक्ते हैं ऊपर और नीचे एक एक है। तो ये आप मेरे साथ साथ पढ़ते भी जाइएगा इनके मखारज यानी किस तरह से इसको पढ़ा जाता है बे, इसका मखरज यानी कि इसको जो पढ़ेंगे हम हलक से पढ़ेंगे, हलक से इसकी आवाज़ आएगी बे, बे बड़ी है बे, इसका तलफ़ है भे। हमारे पास बे के पास भे की शक्ल का एक और भे जिसमें चार नुक्ते हैं, दो ऊपर और दो नीचे, इसका तलफ़ है भे। बे की शक्ल के बाद अब एक दूसरे बे की शक्ल का है हमारे पास पे, तीन नुक्ते हैं पहले वाले में चार, जिसमें एक कम हो गया तो इसको हम पे पढ़ते हैं, दो नुक्ते ऊपर है और उसके नीचे जो है एक नुक्ता है पे। साथ साथ आप मेरे पढ़ते भी रहिएगा अलग बे। ते, इसके पेट में दो नुक्ते आ रहे हैं, तलफ़ भी आगे लिखा हुआ है ते। थे, ते था, आप ते के ऊपर दो रुपये और लगा देंगे, दो रुपये में इजाफा कर देंगे तो ये थे हो जाएगा, इसका तलफ़ ये ना थे, ते यानी कि दो दशमी है के साथ थे, ये तलफ़ उर्दू में यानी कि जो उर्दू में हम अलिफ बे पढ़ते हैं उसकी तरह का ये इसका तलफ़ आ रहा है थे, सिंधी में ऐसे लिखा जाता है और ये तलफ़ है उसका उर्दू में, उर्दू में ऐसे लिखते हैं थे। ते, चार रुपये थे पहले वाले हरूफ में, अब इस वाले हाथ में हमारे पास यानी कि अलिफ बे में टे हो गया, एक नुक्ता इसका अगर हमने मिटा दिया तो टे हो जाएगा, दो नुक्ते ऊपर उसके बीच में एक नुक्ता आ जाएगा नीचे टे, इसका तलफ़ ये है। टे के बाद हमारे पास है ठे, दो यशनी है क्या ठे प्रोनाउंस कहते हैं यानी कि तलफ़ है ठे, दो नुक्ते ऊपर नीचे एक नुक्ता ठे। से, से हमारे पास जी, उर्दू में पढ़ते वैसे ही सेम, ये जीम मुख्तलिफ है, इसमें पेट में इसके एक नुक्ते के बजाय दो नुक्ते हैं, वो भी ऊपर नीचे दो नुक्ते हैं, इसका तलफ़ जो है मखारिज जो है इसका जो है जे, इसके भी हलक से आवाज़ आएगी ये जीम बड़ी है जे। झे, दो दशमी है के साथ झे, जीम दो दशमी है झे, ये मुख्तलिफ है जीम, जैसे पहले पढ़ा दो दो रुकते थे आप इसमें दो रुकते हैं बैठे हुए यानी कि साथ मिले हुए दो रुकते हैं जे, जीम ये नून गुन्ना के साथ इसका तलफ़ बनता है जे, नून जीम न जा खा रहे यानी कि न जा पाते यानी कि नून की आवाज़ आती है इसमें आखिर में ज,
सिंधी उर्दू में सेम ही होता है, छ चालू पे आ गए, यानी कि दो पर दो नीचे छ है, सिंधी उर्दू में ऐसा ही होता है। खे खे भी सिंधी और उर्दू में जैसा ही होता है। दाल सिंधी और उर्दू में भी इसका रस्म الخط और تلفظ भी एक जैसे, यानी कि हम आवाज और हम रस्म الخط अल्फाज हैं जो ये है। दाल दाल के पास आ जाता है धे, दाल ही है लेकिन इसके ऊपर दो नुक्ते आ गए, साथ में दो नुक्ते हैं तो इसका تلفظ जो है दाल द्वेष्मी है के साथ धे। डाल लिखा हुआ डाल है लेकिन इसके प्रोनाउंस यानी कि तलफ़ जो है इसका आता है डे पढ़ते हैं, लेकिन ज़्यादातर अक्सर जो है इसका हम प्रोनाउंस कर रहे होते हैं डाल पढ़ रहे होते हैं, लेकिन इसका तलफ़ जो सिंधी में होता है डे, डाल पढ़िए डे, दाल के ऊपर तीन नुक्ते आ जाए तो डे डाल, दाल के नीचे उनका आ गया तो डाल। ढे दाल के नीचे दो नुक्ते आ गए तो ढे हो गया, दाल द्वेष्मी है ढे। जाल रे रे सिंधी और उर्दू में एक जैसा है, इसका तलफ़ भी और लिखने का अंदाज भी एक जैसा है। रे 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 के ऊपर चार नुक्ते आ गए तो इसका तलफ़ हो जाएगा रे, ये सिंधी में ही लिखा जाता है और ये उर्दू में रे। जे सिंधी और उर्दू में एक जैसा है, सेम यानी कि हम रस्म الخط और हम आवाज जे। इसके बाद हमारे पास सीन, हम रस्म الخط और हम आवाज है ये हरूफ। शीन सिंधी और तलफ़ यानी कि उर्दू में भी एक जैसा लिखा जाता है शीन। स्वाद सिंधी और उर्दू में यानी कि तलफ़ भी एक जैसा, यानी कि हम रस्म الخط और हम आवाज़ है। स्वाद सिंधी और तलफ़ भी एक जैसा है, यानी कि हम रस्म الخط और हम आवाज़ हरूफ है। त्वें ज़्वें ये भी हम रस्म الخط और हम आवाज़। आइन ये भी हम रस्म الخط और हम आवाज़ है। गाइन से एक जैसे ही है दोनों। इसके बाद फे की शक्ल का ही है लेकिन इसमें एक नुक्ता की नहीं, इसमें चार नुक्ते यानी कि तीन नुक्तों का इजाफा हो गया है तो इसका तलफ़ फे, पे और दो दशमी है के साथ फे, फे नहीं है फे पढ़ते हैं इसको। क्वाफ काफ ये सिंधी वाला काफ है तो इसका तलफ़ भी काफ उर्दू में लिखा जाता है। खे आपको काफ लिखा हुआ नजर आ रहा होगा लेकिन जब हम उर्दू वाला काफ सिंधी में इस्तेमाल करते हैं तो उसका तलफ़ ही अलग हो जाता है, तलफ़ से बाद उसकी प्रोनाउंसिएशन अलग हो जाती है, इसको हम काफ नहीं पढ़ते खे पढ़ते हैं हम, इसका तलफ़ आगे लिखा हुआ नजर आ रहा होगा आपको। खे काफ पहले पढ़ लिया, काफ के बाद दूसरा काफ यानी कि उर्दू वाला अगर काफ हम सिंधी में लिखेंगे तो उसका तलफ़ अलग हो जाएगा खे हो जाता है। गाफ ये भी काफ की शक्ल का लेकिन इसके नीचे दो नुक्ते आ गए तो गे, गाफ बढ़िए गे, मुख्तलिफ है ये भी हम रस्म الخط नहीं है मतलब अलग अलग है। घे गाफ और दो दशमी है के साथ घे, गाफ है लेकिन इसके ऊपर दो नुक्ते आ जाए जैसे हम देह में लिखते हैं मिले हुए दो नुक्ते और साथ में तो इसका जो है तलफ़ प्रोनाउंसिएशन अलग हो जाता है मुख्तलिफ हो जाता है। ये न जखा जैसे आपने पहले पढ़ रहा था जे जीम जे नुना जे, अब उसी की तरह का एक और अल्फाज आपके पास आ गया है गे, गाफ ये नून गुन्ना गे, गाफ है लेकिन इसके ऊपर दो नुक्ते आ जाएंगे तो इसका तलफ़ अलग हो जाएगा गे नून गाफ नग नग मीनिंग अगर इसको हम पढ़ेंगे तो। लाम मीम देखिए मुख्तलिफ रस्म الخط है, सिंधी में मीम ऐसे लिखा जाता है और उर्दू में ऐसे लिखा जाता है। मीम नून नून भी सिंधी में दो तरह के, एक खाली नून लिखा जाता है जो उर्दू में और सिंधी में जैसा है और उसके बाद नून के बाद एक और
नून की शक्ल का है लेकिन नून के अंदर नुक्ता नहीं है लेकिन त्वाए आ गया, तो इसका तलफ़ुज भी अलग हो जाएगा। नून रे वाओ नून नून। और इसके अलावा लून जैसे पढ़ते हैं लून, नमक को कहा जाता है हिंदी में लून, लाम वाओ और नून के अंदर त्वाए हो जाएगा लून नमक, इसमें भी वही तलफ़ुज आ जाता है लून की, लेकिन लाम बता दो रे वाओ नून लून वाओ एक जैसे ही है सुनो हे दो यश्मी है, तलफ़ुज भी यही है कि उर्दू में भी दो यश्मी है लिखा जाता है और ये गोल है भी लिखा जाता है। हमजा एक जैसे ही है। इसके बाद आखिरी आपके पास रुकत हजी में मौजूद है ये, यहाँ पे आपके पास सिंधी में तो छोटी ये लिखी जाती है लेकिन जुमले की मुनासबत से छोटी और बड़ी ये को हम पढ़ते हैं, यानी कि छोटी भी पढ़ा जा रहा होता है और बड़ी ये, अक्सर जुमले में बड़ी ये को हम पढ़ते हैं, छोटी ये लिखते हैं लेकिन इसके प्रोनाउंस बड़ी ये होती है। मिसाल के तौर पर अगर हम लिखते हैं किसी चीज़ को हम, तो उस पर पता चल जाता है जुमला जब हम पढ़ते हैं उसमें आपको पता चलेगा, जब तक आपको सिंधी नहीं आएगी छोटी है बड़ी में फ़र्क पता नहीं चलेगा, खब आप छोटी है लिखी होगी लेकिन उसको पढ़ते भी छोटी है की तरह जाते होंगे आप। अच्छा तो बच्चों आपका सबक मुकम्मल हुआ, इसके बाद हम चलते हैं हम अपने होमवर्क की तरफ, यानी कि आपने जो घर पे काम करना है कॉपी सिंधी की निकालनी है आपने, अब एक पेज आप अपने कवायद से ले छोड़ेंगे, इसके बाद अगले पेज पे ये टाइटल तो मैंने लिखा है ये टाइटल आपने नहीं लिखना, इस चीज़ का आपने टाइटल बनाना है, यानी कि एक सफ़े पर अलिफ खां ये ताई अखर आई उन जो तलफ़ मतलब अलिफ से लेकर ये तक हरफ़ धजी लिखनी है तलफ़ के साथ, ये आप टाइटल बनाएंगे कट मार्कर से ब्लू से या ब्लैक से, एक पेज पे आपका टाइटल हो गया। अब उसके ही अगले पेज पे यानी अगले सफ़े पर आप चार कॉलम ड्रॉ करेंगे, एक में सिंधी दूसरे में तलफ़ और अगले सिंधी तलफ़ सही है। चार कॉलम ड्रॉ करने के बाद ये आपने लिख लिया, अब आप दो पेन यूज़ करेंगे ब्लू एंड ब्लैक, ब्लैक से आप अगर सिंधी लिख रहे हैं तो उसके बाद तलफ़ आप ब्लू से लिखेंगे, अगर आप ये ब्लू से लिख रहे हैं सिंधी तो तलफ़ ब्लैक से लिखेंगे, जिस तरह से आपको लिख रहे हैं, लेकिन बेहतर ये होगा कि सिंधी ब्लैक से लिखें और तलफ़ ब्लू से लिखें, और इस चीज़ का भी ख्याल रखिएगा काम करते वक्त अलिफ बे मैं आपको समझा रहा हूँ काम हो गया एक, यानी कि कोना मुकम्मल हो गया हमारे, यानी कि एक रो मुकम्मल हो गई, अब दूसरी रो में आएंगे तो एक लाइन आप स्किप करेंगे, इस दूसरी लाइन में आपने यानी कि काम नहीं करना पहले में किया, दूसरी लाइन छोड़कर तीसरे नंबर में जो लाइन होगी उसमें आप दूसरा बे लिखेंगे, ये इस तरह से आप पूरा काम आपने करना है ग्रीन, एक एक लाइन को स्किप करके यानी कि एक लाइन छोड़ कर काम पूरा मुकम्मल करना है। उम्मीद करता हूँ बच्चों मेरी आज ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और समझ में भी आया होगा, इसके साथ साथ अब हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल के आइकन को भी क्लिक करना मत भूलिएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना भी मत भूलिएगा।